पेपलम स्टाइल में ट्रू शेड में मस्टर्ड और मेहंदी की शेड मिक्स करिए। आपको मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जी बताइए। जैसे अब किसी कस्टमर्स को हल्दी मेहंदी के लिए स्पेशल चाहिए होता है तो वो कंफ्यूज रहते हैं क्या कुछ ग्रीन मिल जाए या येलो मिल जाए अलग अलग, या कई कस्टमर्स होते हैं कि हमें दोनों मिल जाए तो हमारे दोनों जगह काम आ जाए, एक ही में दोनों मिल जाए। ग्रीन के संग हमने येलो बनाया हुआ है, मस्टर्ड के साथ मेहंदी भी कंट्रास्ट है और नीचे भी आप कंट्रास्ट देख सकते हैं। जी ठीक है, तो आपके इस तरीके से यूज हो जाए। सेम इन्स काफी रिक्वायरमेंट आ रही थी स्ट्रैप पैटर्न के साथ। कुछ शॉर्ट पेपलम बनाइए, लॉन्ग पेपलम तो आपने काफी देखे होंगे, कुछ डिफरेंट इनोवेट करा है कुछ शॉर्ट पेपलम में। ये देखिए, ये इसकी स्कर्ट देखो, उसका फ्लेयर देखिए पहले। अब स्कर्ट देख लेते हैं सबसे पहले। आपको ये देखिए, अब दिखाते हैं वर्क इसका। जी घेरा काफी है, सीरियसली जी डीप है यू कट। अच्छा, लेकिन ऊपर देख लेते हैं किस तरीके से। नहीं नहीं, आप पहले सर काम दिखा लो सर, दूर से भी आपको लुक दिखाई दी होगी कि प्रिंटेड है। सही आज साथ देखो सर, इसमें यही तो खासियत है इसकी। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि आपने अभी तक दिखा हुआ आपने कलरफुल या व्हाइट चिकन, जी ये ब्लैक चिकन फर्स्ट टाइम बनाया ये। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन देख लेते हैं, स्ट्रैप पैटर्न में श्रग लॉन्ग श्रग मिल जाएगा, नीचे स्कर्ट है ये देखिए, और ये स्कर्ट भी ऐसे आएगी आपकी है क्रश में, हाँ रफल के साथ मिल जाएगी। ये देखिए आप इस तरीके से सारा काम ही इसका बेल्ट में है, सारा ओरिजिनल मिरर्स के साथ है, जो सारा ये ओरिजिनल मिरर है, स्टिच है किया हुआ। सेम अलग ही ग्रेस आ रही है, अलग ही लुक आ रहा है। डिजाइनर कॉन्सेप्ट है ये देखो, अब मैं आपको दिखा दूँ जैसे इसके आप लुक देख रहे हैं प्रॉपर, तो ये जैकेट के साथ है श्रग के साथ। अच्छा, श्रग पे भी आप देखेंगे गोटे का वर्क हो रहा है सारा। जी नीचे फ्लोर लेंथ में इस तरीके से नीचे रफल्स हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको हटा के सिर्फ क्रॉप टॉप बना सकते हैं। ये इसकी आपकी चोली आ जाएगी सिल्क बेस पे, सारा ओरिजिनल मिरर वर्क किया गया है, सारा स्टिच है मल्टी थ्रेड पे, क्लासी है डिजाइनर है, देखते हुए जो पसंद आ जाए। इस तरह के काफी डिजाइन इन है स्ट्रैप में, इस इवन कलर शेड में दो, बिल्कुल दो शेड्स मिले कलर नहीं पे। एक मस्टर्ड शेड में है, अच्छा लग रहा है ये भी। ये देखिए दो कलर्स मिलने वाले हैं इसमें आपको, अमूल शेड विद मस्टर्ड। जी थोड़ा उस कॉम्बिनेशन में काफी क्लासी है, जो देखते ही पसंद आ जाए, देखते ही आपका मन खुश हो जाए। दोनों एक साथ लगा कर जाना, साइज कहाँ तक चले जाएंगे जो भी आप काम देख रहे हो, इवन स्कर्ट में लेकर ब्लाउज तक सारा ओरिजिनल मिरर की टचिंग है, इवन जो श्रग है उसमें भी मिरर ओरिजिनल मिरर की टचिंग है। भाई दिखा देना, जो काम आप देख रहे हो सारा ओरिजिनल मिरर है। सेम इससे अलग ही ग्रेस इनहेंस हो रही है, इससे क्लासी है और कंप्लीट पीस है। क्या साइज कहाँ तक लास्ट हो जाएगा? अच्छा 40 तक हो जाएगा, और रेंज क्या बता रहे थे? 2595। 2595 में इतना क्लासी डिजाइनर पीस, मार्केट में इसकी कॉपीज भी आ रही हैं, पर ये माइंड ब्लोइंग है जो ओरिजिनल में आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट इनोवेशन करे सारा चिकन लखनऊ पे, स्ट्रैप पैटर्न के साथ मिल जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे। पहले आप ऊपर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको नॉर्मल स्टिचिंग आपको दिखाई देगी यहाँ पे फैब्रिक की। जैसे आप नीचे जाएंगे गरारा स्टाइल में तो आपको सारा ये क्रश मिलेगा, क्रश फैब्रिक में। सारी क्लासी है, सारा गोटा वर्क यूज किया गया है, इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफरेंट इनोवेट करा है। मेन इसकी शर्ट रहने वाली है, ये देखिए ये इसकी शर्ट आने वाली है जो काफी क्लासी है। ये इसकी शर्ट आएगी, सारा चिकन लखनऊ पे है, और स्लीव्स वगैरह सबको आपको मिलेगी, सबके साथ स्लीव्स है। जी दामन है इसका, मल्टी रेशम के साथ पतरा वर्क यूज किया गया है, चिकन लखनऊ पे। थोड़ा बताइए, गाइड करिए। बिल्कुल सर, सब कुछ आपने बताई दी, बताने लगा कुछ छोड़ा नहीं, सारा चिकन लखनऊ भी पतरा भी है, मल्टी भी है, सारा स्ट्रैप पैटर्न के साथ है। एक चीज नहीं बताया वो मैं आपको बता दूं, ये लो ये आएगा इसका दुपट्टा। अच्छा दुपट्टा भी काफी अच्छा लग रहा है, स्टोल दुपट्टा है इस तरीके से। जी लेंथ फुल है, पर इसका एक और बात भी खासियत है बताने वाली, इसकी जो बैक रहने वाली है, ये देखिए ये इसकी बैक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ये हटा सकते हैं, रिमूव। ये फैब्रिक एक्स्ट्रा लगाया है, इवन ये हटवा कर स्लीव में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको स्लीव लगवानी हो तो। एडिशनल कुछ फैब्रिक दिया है, आप अपनी मर्जी से रिमूव भी करवा सकते हैं। ये इसकी लुक आएगी प्रॉपर। सेम है, सिंगल कलर है, सिंगल कलर आता है, जितने मर्जी पीस चाहिए कलर सिंगल आएगा, तो दूसरे शेड्स में मिलते हैं। सेम क्लासी है, देखते ही पसंद आ जाए, उस तरह कलेक्शन है। साइज कहाँ तक चला जाएगा? साइज आपका जाएगा ये एक्सेल। अच्छा 42 तक हो जाएंगे, ओवर साइज भी एल लिखा हुआ है,
बट ये एक्सेल हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, उसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा काम के बारे में थोड़ा और क्लोजली देख लेते हैं। जो भी पतरा वर्क है, दूर से लग रहा है मिरर वर्क, काफी अच्छे डिजाइन हैं, अच्छे लग रहे हैं, काफी डिफरेंट है। एक बार दोबारा घुमा कर दिखाना जी, रेंज जान लेते हैं। 2795 2795 में इतना डिजाइन है, क्लासी पीस, अनएक्सपेक्टेड है, अनबिलीवेबल है। सेमी काफी इकोनॉमिकल रेंज प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्त्री कलेक्शन है। जितना जल्दी बाय करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। स्ट्रेट शर्ट रहेगी, वरना स्त्री कलेक्शन जिस रेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत जल्दी स्टॉक सोल्ड आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन देख लेते हैं। स्ट्रैप पैटर्न में शरारे का पैटर्न है, बताइए। शॉर्ट पेपलम में स्ट्रैप पैटर्न, शरारे में भी कुछ डिफरेंट पैटर्न आपको मिलने वाला है। जैसे अभी हमने काफी वीडियोस में जो है क्रॉप टॉप वगैरह ज्यादा दिखाए थे, तो कुछ अभी डिमांड्स आई हैं कस्टमर्स की कि भैया प्लीज कुछ शरारे वगैरह दिखाइए, तो उनके लिए चीजें लाए हैं स्पेशली आपके रिक्वायरमेंट में। मिलेगा आपको जो भी 99% जो चीजें मिलेंगी वो जॉर्जेट वेस्ट में मिलेंगी। अच्छा, कुछ चिनोन में भी है इस तरीके से रफल का डिजाइन है जी, जॉर्जेट पे, लेकिन कुछ डिजाइन होंगे इस तरीके से है। काफी अच्छे अच्छे हैं जो इन है जॉर्जेट का फैब्रिक, और तरफ है ऐसा नहीं कि नीचे गरारा स्टाइल में है जी, इस तरीके से। इसकी शर्ट आने वाली है जॉर्जेट बेस पे, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, फ्रंट सेम आएगा। होल ओवर में काम है, जो स्ट्रैप पैटर्न है उससे भी एनहांस हो रही है ग्रेस। आजकल काफी रिक्वायरमेंट है स्ट्रैप पैटर्न की, इस तरीके से ये शॉर्ट पेपलम रहेगा फ्रॉक स्टाइल में। डिजाइन कलेक्शन है, देखते पसंद आ जाए उस तरीके की कलेक्शन है। रीसेंट चीज है, ये देखो फलस्तीन दूंगा आपको, सेम सटल वर्क है, दुपट्टा भी अच्छा दुपट्टा आपको मिलने वाला है, जिसके फोर साइड हल्का सा भी देख सकते हैं, सीक्वेंस की टचिंग दी हुई है। जिसको सिंपल सोवर पहनना है उसके लिए काफी बढ़िया चीज है, काफी क्लासी है। इवन कलर चार्ट भी मिल जाएंगे, डस्टी चार्ट है। ये अनियन पिंक है, मैं आपको दिखा दूं तीनों कलर्स जी। एक लाइट मेहंदी कलर है, एक और भी है, ठीक है। सारे डिफरेंट शेड्स हैं जो इजीली देखने को नहीं मिलते, डस्टी शेड में सेम है। फोन शेड का चार्ट है, इंग्लिश शर्ट है, कुछ डिफरेंट है जी। साइज कहां तक लास्ट हो जाएगा? साइज एक्सेल साइज 42 हो जाएगा, 42 रेडी है ये। अच्छा, होगा इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, रेडी है, 42 तक ही रहेगा। थ्री शेड्स आपको मिलने वाले हैं, देखिए तीन कलर सब इंग्लिश चार्ट है जी। रेंज जान लेता है 2995 अंडर 3000 में, इतनी क्लासी चीज स्ट्रैप पैटर्न में। सही में आपको देखते लेने का मन करेगा, इतने अच्छे डिजाइन हैं और काफी इकोनॉमिकल रेंज है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन देख लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट है, बताइए। मैं आपको बता दूं, ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं अच्छा है, इसका अच्छा खासा फ्लेयर है और सारा मल्टी थ्रेड है, थोड़ा गुजराती पैटर्न में पतरा वर्क के साथ है, इस तरीके से रहेगा कॉन्सेप्ट। प्लेटिंग सारी है, मैं आपको बैक भी दिखा दूं, प्रॉपर लुक दिखा दूं इसकी। अच्छा, बैक प्लेन है, फ्रंट में काम है, जो प्लेटिंग सारी है। पीस हमने कुछ ऐसा इसमें डाला था 5700 रेंज में। अच्छा, हमने कम में इसका थोड़ा सा मतलब उधर डिजाइन बनाया है, ये थोड़ा सिमिलर है, एग्जैक्टली नहीं है, ये साइज भी अच्छा है, एक्सेल साइज है यार। ये इसकी दुकान वाले, ये इसका ब्लाउज आ जाएगा, सारी सर्कल की टचिंग है, सस्टेनेबल की है, मल्टी ब्लाउज जो देख रहे हैं मल्टी कलर में जर्कन मिल जाएंगी, और इवन गोल्डन मिरर भी है, कुछ डिफरेंट है सारा, मल्टी कलर में रेशम है, अच्छा लग रहा है। और ये इसका स्टोल आ जाएगा, नेट का दुपट्टा आ जाएगा, स्लीव्स का फैब्रिक इंटैक्ट रहेगा, नेट का स्टोल आएगा जी, इस तरीके से फॉरवर्ड और साइड टसल्स रहेंगी, वो भी रियल मिरर यूज किया गया उसमें भी, सिंगल कलर है। हाँ, और ये हल्दी मेहंदी के लिए स्पेशल चीज है, सेम है, मस्टर्ड कलर ऑल टाइम रिक्वायरमेंट वैसे भी रहती है। रेंज जान लेता है 2995 की, काफी मिनिमल सी कॉस्ट्यूम, इतना डिजाइन पीस मिल रहा है। साइज कहां तक लास्ट हो जाएगा? ये साइज आपका जाएगा 40 प्लस, एक्सेल साइज तो रेडी है ये। अच्छा, 43 तक बनेगा ये आपका जी, साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन देख लेते हैं, स्ट्रैप पैटर्न में श्रक के साथ मिल जाएगा, नीचे प्लाजो है, बताइए। ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये प्लाजो, इसका हैवी फ्लेयर में प्लाजो है, जॉर्जेट पे सिंपल सा, बट इसकी बेल्ट पे आप देखेंगे वो वर्क आएगा विद प्लेटिंग्स के साथ है, इस तरीके से इवन फ्रंट एंड बैक है। अब आते हैं इसकी शर्ट पे, ये 2-in-1 है, इसको अगर आप जैसे कि सोच के था कि भी हमें प्लाजो के साथ सिर्फ चोली चाहिए, अच्छा तो आप पहले एक प्रॉपर लुक देख लीजिए, ठीक है, जैकेट के साथ ये लुक है। अगर आपको नहीं पहनना
तो आप इसको भी रिमूव करा सकते हैं। स्पेक्टिस ट्रैप पे है, स्पेक्टिक्स दोनों ओकेजन पे हो जाएगा यूज। काफी क्लासी है, डिजाइनर है, सारा ओरिजिनल मिरर्स के साथ है, मल्टी रेशम। इस तरीके से स्ट्रैप में भी सारा ओरिजिनल मिरर और नलकी की टचिंग मिल जाएगी। क्लासी है, डिजाइनर है, देखते जो पसंद आ जाए उस तरीके से डिजाइन दिखाओ। इसकी बैक में भी आएगा ये स्ट्रैप में, ये सिर्फ इसकी आ जाएगी स्ट्रैप, स्ट्रैप में काम रहेगा। ये फैब्रिक क्या रहेगा? ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क की चोली है, डुपिन सिल्क, डुपिन सिल्क की है और जॉर्जेट इसमें शरारा है और दुपट्टा इसमें आता नहीं क्योंकि इसमें जैकेट है, श्रग है। श्रग एक बार दोबारा देख लेते हैं, प्रॉपर लगा के दिखाता हूं। थोड़ा उसमें भी काम देख लेते हैं। फ्लोर लेंथ में रहेगा, बेल स्लीव चीज है, ये इसकी लुक आने वाली है, ये इसकी लुक आएगी। ठीक है, काम भी थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। काम है क्या? सारा जरी का काम है जी, सीक्वेंस के साथ टचिंग है। इस तरीके से डिजाइनर स्लीव्स मेन बात है। ऑल ओवर में फ्रंट एंड बैक इसका श्रग में काम जी। इवन कलर चार्ट भी है, दो शेड आते हैं इसमें, एक वाइन कलर आता है, एक ब्लैक कलर आता है। मैं आपको दोनों दिखवाता हूं, दोनों अमेजिंग है। कलर चार्ट ब्लैक ऑल टाइम रिक्वायरमेंट रहती है और एक वाइन है जो कि सही में काफी बढ़िया लग रहा है। सीरियसली अमेजिंग है, जो देखते पसंद आ जाए आई कैचिंग है। इस तरीके से श्रग रहेगा। साइज कहाँ तक हो जाएंगे? साइज सर आपका नॉर्मल साइज आएगा ये, ओहो क्या बात है, 40 साइज बनेगा आराम से। अच्छा 40 हो जाएगा, एक्सेल भी हो सकता है। अच्छा एक्सेल तक भी हो जाएगा एक्सटेंड। रेंज जान लेते हैं, इसकी रेंज आने वाले 3095, 3095 की। काफी मिनिमल से कॉस्टिंग प्रोवाइड हो रहा है, सेम है, माइंड ब्लोइंग है, अनबिलीवेबल है, अनएक्सपेक्टेड कॉस्टिंग है। कंपेयर भी कर लेंगे तो काफी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मुंह मांगे रेट में इस तरह के डिजाइन बिकने वाले हैं बाहर मार्केट में, माइंड ब्लोइंग है। तो फ्रेंड्स कुछ डिफरेंट इनोवेशन करिए पेपलम स्टाइल में, ट्रू शेड में मस्टर्ड और मेहंदी की शेड मिक्स करिए। आपको मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ जी, बताइए। जैसे अब किसी कस्टमर्स को हल्दी मेहंदी के लिए स्पेशल चाहिए होता है तो वो कंफ्यूज रहते हैं क्या कुछ ग्रीन मिल जाए या येलो मिल जाए अलग अलग, या कई कस्टमर्स होते हैं कि हमें दोनों मिल जाए तो हमारे दोनों जगह काम आ जाए, एक ही में दोनों मिल जाए। ग्रीन के संग हमने येलो बनाया हुआ है मस्टर्ड के साथ, मेहंदी भी कंट्रास्ट है और नीचे भी आप कंट्रास्ट देख सकते हैं जी। ठीक है, तो आपके इस तरीके से ये यूज हो जाएगा, सेम काम भी फाइन है। देखिए ना क्लासी है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले इसका देख लेते हैं नीचे का बॉटम जी, पहले बॉटम देख लेते हैं। और जो शरारा आप देखेंगे हैवी फ्लेयर है, मतलब समझ लो जितना फ्लेयर एक स्कर्ट में आता है ना उसके एक पहुंचो, एक सही में एक्स्ट्रा फ्लेयर ही है जो प्लेटिंग से आ रही है उससे भी एनहांस हो रही है ग्रेस। हैवी फ्लेयर में है ये पीस, इलास्टिक लगी होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब में इलास्टिक लगी है, फ्री साइज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये साइज भी बड़ा है एक्चुअली, डबल एक्सेल तक साइज है ये, तो ओवर साइज भी है। 44 रेडी है कि हो जाएगा? ये 44 रेडी है। अच्छा रेडी है, मतलब इसमें साइज आपको दिख रहा होगा सही में, विजिबल है, और भी हो जाएगा इससे ऊपर? नहीं इतना ही होगा, ये मैक्सिमम। थोड़ा काम के बारे में गाइड कर देता, सारा लखनवी वर्क हो रहा है देख सकते हैं आराम से, दिखाइए। जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर है, जो टू शेड आ रही है, ट्विन शेड है, डुअल शेड में उससे एनहांस हो रही है बेसिकली, पेपलम लुक में। ये इसकी लुक आने वाली है, सेम में बैक भी डिजाइनर है, फ्रंट एंड बैक ऑल ओवर है। कई बार बहुत डिमांड आती है हमारे में बड़े साइज में। ये देखिए ये इसका दुपट्टा है शेडिंग जी, टू शेड में दुपट्टा भी इंटरेस्टिंग है, जो टसल्स लगी हैं टू साइड उससे भी एनहांस हो रही है ग्रेस। क्लासी है, डिजाइनर है जी। अब रेंज जान लेते हैं, 3095, 3095 में, इतना इकोनॉमिकल रेंज में, माइंड ब्लोइंग पीस। सीरियसली ये भी अनएक्सपेक्टेड है, अनबिलीवेबल है। इस तरीके से टसल्स रहेंगे, डिजाइनर कलेक्शन है, काफ़ी मिनिमल सी कॉस्टिंग में, यही हमारा कहना होगा। पहले आप कंपेयर कर लीजिए, जितना कोशिश करें बाय करने की उतना जल्दी करिए, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। उन्होंने इस तरह कलेक्शन जिस रेट में दे रहे हैं सेम अनएक्सपेक्टेड है, जल्दी स्टॉक सोल्ड आउट हो जाता है। तो फ्रंट से डिज़ाइन देख लेते हैं, स्ट्रैप पैटर्न के साथ ऑफ शोल्डर के पैटर्न में मिल जाएगा, कटवर्क के साथ है इसका बॉर्डर। थोड़ा बताइए इसके बारे में, स्कर्ट के साथ है। पहले ही हमने डिजाइन बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने बनाया था शरारे के साथ जी। अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज करी, इसमें ये हमने ना ये स्कर्ट के साथ, अच्छा स्कर्ट के साथ इंडो वेस्टर्न लुक दे दिया है। स्कर्ट है इसकी,
और प्लेटेड है सारी क्रश में, और नीचे देखिए हल्का सा एक बॉर्डर डाला ताकि इसकी लुक चेंज हो, सारा पतरा वर्क है इस तरीके से बॉर्डर में, ये रहेगा क्रश प्लेटिंग में। मैं बीच में बता दूं आपको, साइज भी एक्सेल साइज है और एक से डेढ़ इंच यानी कि लगभग आपका डबल एक्सेल भी आप बना सकते हैं। अच्छा, प्लस साइज भी हो जाएगा, ओवर साइज भी हो जाएगा। ये इसकी शर्ट आने वाली है, ये बैक है, सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। स्पेशल हल्दी मेहंदी वालों के लिए स्पेशल है, बाकी अब नॉर्मल तो आप कर ले भी सकते हैं। स्ट्रैप पैटर्न के साथ है, इस तरीके से रहेगा, सेम क्लासी है, डिजाइनर पीस है, इस तरीके से कट वर्क का बॉर्डर रहेगा, जो भी काम है सारा मल्टी थ्रेड पे, सारा बीच बीच में आपको लगे ओरिजिनल मिरर की टचिंग है, और ये है सारा पतरा वर्क फ्रंट एंड बैक में आने वाली है। ये बैक है, बैक भी अच्छी है, फ्रंट भी अच्छी है, इसमें दो शेड आने वाले हैं दोनों। अच्छा, दुपट्टा पहले दुपट्टा दिखाई दिया, ये कंट्रास्ट आपका दुपट्टा आने वाला है इसमें, क्लासी है, डिजाइनर पीस है, अलग ही लुक आ रही है, ये दुपट्टा ही बड़ा प्यारा है, और ये स्टोल से बड़ा है ये। अच्छा, नॉर्मल प्रॉपर दुपट्टा आएगा ये? हां, नॉर्मल जो आता है साइज वो रहेगा दुपट्टे कंट्रास्ट में। आपको दूसरा कलर दिखाता हूं, कलर चाहिए एक मस्टर्ड भी है जो ऑल टाइम स्पेशल, ये हल्दी मेहंदी वालों के लिए है, स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया है, उसी पर्पस के लिए बनाया है मेनली जी। बाकी तो आप इसको यूज जैसे मर्जी कर सकते हैं। हां, वैसे तो 12 महीने चलने वाले डिजाइनस हैं, कलर्स हैं, सीरियसली माइंड ब्लोइंग है, कुछ डिफरेंट इनोवेशन है, पहले शरारे के साथ था, अभी स्कर्ट के साथ इनोवेट कर रहा है। अलग हम देते ही है, इस बार भी अलग बनाया है आपके लिए, यही पर्पस रहता है। साइज भी हो जाएगा मेन बात, तो वो भी है, तैयार है ये। अच्छा, रेडी एक्सेल तैयार है, और आप एक से डेढ़ इंच यानी कि लगभग डबल एक्सेल आपका बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, रेंज जान लेते हैं क्या रहेगा इस डिजाइन का। रेंज आने वाली 3095 की रेंज में, 3095 रुपए की रेंज में, इतना डिजाइनर क्लासी पीस, और गारंटी है आपको 45,000 से कम की रेंज में। खैर, कस्टमर्स को सब पता होता है हाँ कि कितने का बाहर मिल रहा है, बेचते हैं वो आप जगह देखते हैं जी, सही में जरूरत नहीं है, पर जो हमारी चीज है वो देखिए 3095 की, और जो क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, फैब्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग अप्रिशिएबल है काफी, 3095 काफी मिनिमल कॉस्टिंग हो गई, एक्सेल डबल एक्सेल। हां, मेन बात वो भी कि ओवर साइज भी हो जाएगा, जितना जल्दी बाय करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, वरना इस तरीके का कलेक्शन जिस रेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं काफी जल्दी स्टॉक सोल्ड आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन देख लेते हैं, ये डिजिटल के कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा, डिजिटल प्रिंट के बताए कुछ 3D में। ये देखो सर, पहले मैं आपको उसकी लुक दिखा दूँ, प्रिंटेड देगा, प्लेट्स के साथ प्रिंट है, और ये देखो पहले आप इसमें कैनकिन वगैरह सब लगे, टेस्ट वगैरह दिखाने पे जरूर जी, ये सेम क्लासी है, सारा प्लेटिंग्स में आ रहा है, इसकी टसल्स काफ़ी प्यारी लग रही है, इस तरीके से प्लेटेड लुक में काफ़ी डिजाइनर कॉन्सेप्ट में बनाए हैं, डिजिटल प्रिंट काफ़ी नया आजकल 3D कॉन्सेप्ट में। देख लेते हैं इसका ब्लाउज, ब्लाउज भी बड़ा प्यारा है, घेरा भी काफ़ी है जी, इसका ब्लाउज आने वाला है, फाइन काम, सुपर फाइन काम, इस तरीके से रहेगा, कुछ डिफरेंट बनाया है, सटल वर्क है काफी, इस इवन दुपट्टा भी इंटरेस्टिंग है, दुपट्टा देखिए, दुपट्टा ये बड़ा प्यारा हो, सॉफ्ट मतलब शिफॉन वाले नेट लगी हुई है इसमें। अच्छा, उस तरीके से नॉर्मल नेट नहीं है, शिफॉन तरीके के, फोर बॉर्डर साइड भी टसल्स मिल जाएंगे इस तरीके से, इससे भी एनहांस हो रही ग्रेस, काफी क्लासी है दुपट्टा भी, इवन शेड्स भी मिल जाएंगे, कलर चार्ट, कलर चार्ट देख लेते हैं, एक पीच मिल जाएगा, जी जान लेते हैं साइज कहां तक हो जाएगा। साइज की कोई दिक्कत नहीं, साइज आपका ये एक्सल तक बन जाएगा, हो जाएगा 42 तक। रेंज जान लेते हैं, इसकी रेंज आने वाली 3095, 3095 की मिनिमल सी कॉस्टिंग में, इतना क्लासी पीस है, सीरियसली वर्थ है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी स्ट्रैप पैटर्न के साथ, कुछ शॉर्ट पेपलम बनाइए, लॉन्ग पेपलम तो आपने काफ़ी देखे होंगे, कुछ डिफरेंट इनोवेट करा है, कुछ शॉर्ट पेपलम में। ये देखिए, ये इसकी स्कर्ट देखो, उसका फ्लेयर देखिए पहले भी, अब स्कर्ट देख लेते हैं सबसे पहले आपको, ये देखिए अब दिखाते हैं वर्क इसका जी, घेरा काफ़ी है सीरियसली, सीक्वेंस में सारा सेल्फ सीक्वेंस थ्रेड वर्क के साथ जी। और बताइए काम के बारे में, जो रफल्स हैं, जो कली पैटर्न जा रही हैं उससे भी नैंस हो रही है, जो प्लेटिंग से आ रही हैं वेस्ट लाइन में उससे भी काफी एक्सक्लूसिव, और ये आप देख सकते हैं इसके टसल्स, टसल्स बड़ी प्यारी आने वाली है, सारे एक्सक्लूसिव डिजाइंस हैं, कुछ डिफरेंट इनोवेशन करी है, इस तरीके से पल्स वर्क के साथ हैं,
डिजाइनर है। ये बैक है, ये फ्रंट। अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट पेपलम है, मेन खास बात इसकी। बैक पे भी सेम है जी, डीप डीप है यू कट। अच्छा, लेकिन ऊपर ऊपर देख लेते हैं किस तरीके से। नहीं नहीं, आप पहले सर काम दिखा लो सर, दूर से भी आपको लुक दिखाई दी होगी कि प्रिंटेड है। सही आज साहब, देखो सर इसमें यही तो खासियत है इसकी। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि आपने अभी तक दिखा हुआ आपने कलरफुल या व्हाइट चिकन जी, ये ब्लैक चिकन फर्स्ट टाइम बनाया ये। अच्छा, जो ये काम है सारा ब्लैक चिकन वर्क पे है। सही में, अच्छा जो ये काम बता रहे हैं जो रफल डिजाइन है इस तरीके से, सेम कुछ डिफरेंट ही है, इजीली नहीं देखने को मिलती इस तरीके की क्लासिक कलेक्शन, जिसे देखते आपका मन खुश हो जाएगा उस तरीके की कलेक्शन। स्ट्रैप पैटर्न में सारा लखनवी है ब्लैक में, आपने व्हाइट लखनवी काफी देखा होगा। सेम आएगा काम, सेम काफी डिजाइनर हैं, शब्द नहीं मिल रहे डिस्क्राइब करने के लिए। और मैं आपको इसके साथ ही इसका दुपट्टा भी दिखा दूं, ये इसका स्टोल दुपट्टा आने वाला है इस तरीके से ही। ये ऐसे आता है, ये ऐसे नेकलेस आएगा। अच्छा, ये तरीके से आएगा, ठीक है जी। नेकलेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, भी ले सकते हो आपकी इच्छा है। दुपट्टा आएगा जैसा आप लेना चाहें, जैसे एक मैं आपको आईडिया दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसकी लुक आने वाली है ऐसे जी। बेसिकली ये नेक पे जाएगा ये डिजाइन, थोड़ा उसको करीब से देख लेते हैं। इस तरीके से इवन स्लीव का भी काम करता है, जैसा एक दुपट्टा रहेगा इस तरीके से, थोड़ा दूर से छोड़ेंगे तब तो दूर जाऊंगा ना। ये देखिए ये इसका दुपट्टा, सिंगल कलर है, सिंगल ही कलर आता है, जितने मर्जी पीछे उतने मिलेंगे। साइज बताइए कहाँ तक होगा? साइज 40 प्लस जाएगा ये, 42। अच्छा, 42 साइज हो जाएगा, जो काफी बड़ी बात है इस तरह की मॉडर्न कलेक्शन वेस्टर्न वेयर। 42 तक भी हो जाएंगे जो ओवर साइज है जी। रेंज बताइए? 3295 की। इतनी मिनिमल सी कॉस्टिंग में प्रोवाइड हो रहा है, जो कि सोच से परे है, अनएक्सपेक्टेड है, अनबिलीवेबल है, काफी मिनिमल सी कॉस्टिंग हो गई। तो फ्रेंड्स से डिजाइन देख लेते हैं, पेपरम में मिल जाएगा आपको शरारा। बताइए कुछ इसके बारे में। देखिए ये जैसा आप शरारा देख रहे हैं उसके गुलारा स्टाइल शरारा, ये नीचे ऊपर प्लेन है, नीचे आप सारा प्लेटेड है जोड़ जड़ के, इस पे इस तरीके से रहेंगे रफल्स में, नी में प्लेटेड पे। आजकल काफी इन है इस तरीके से क्रश फैब्रिक में, जॉर्जेट में, क्रश जॉर्जेट में काफी इन है इस तरीके के डिजाइन। इसकी शर्ट आ जाएगी पेपरम स्टाइल में, ये बैक है सारा सीक्वेंस, और देखेंगे आप मल्टी थ्रेड का काम है नीचे इस तरीके से, दो कलर से सारा मल्टी रेशो में है, काफी क्लासी है डिजाइन, बढ़िया है, जो देखते पसंद आ जाए उस तरीके के डिजाइन रहेंगे। फ्रंट एंड बैक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैक और फ्रंट दोनों ही आएगा इसमें जी। टसल्स भी अच्छी लग रही हैं इस तरीके से, कलर चार्ट भी है इस शेड्स मिलेंगे इसमें आपको, एक इस तरीके से रहेगा शेड चार्ट, डस्टी में दो ही चार्ट है। साइज कहाँ तक लास्ट हो जाएंगे? साइज के सर कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, एक्सल साइज आपका, बल्कि डबल एक्सल बना सकते हो इसको। अच्छा, ओवर साइज भी हो जाएगा थोड़ा दूर से वाला। एक बार दुपट्टा देख लीजिए आप इसका, इसका स्टोल दुपट्टा आएगा इस तरीके से, जॉर्जेट का दुपट्टा मिल जाएगा दोनों। एक बार दोबारा देख लेते हैं, रेंज बताइए? 3295 3295 में इतना क्लासिक डिजाइनर पीस है, माइंड ब्लोइंग। तो फ्रेंड से डिजाइन देख लेते हैं, हैंडवर्क के साथ कुछ डिजिटल प्रिंट के साथ मैचिंग बनाया कॉम्बिनेशन। सीरियसली कुछ डिफरेंट हैवी कैनकेन आएगी, ये रेप्लिका है ये। अच्छा, किसकी? ये वैसे मैं बता दूं हीरोइन का नाम नहीं लूंगा, बॉलीवुड में पहना किसी हीरोइन ने, दीपिका पादुकोण ने, चलो मैं नाम बताता हूं आपको, दीपिका पादुकोण ने डिजाइन पहना हुआ है उसकी रेप्लिका। ये डिजिटल प्रिंट है दीपिका पादुकोण की, आप इंस्टा में गूगल में सर्च कर सकते हैं, इस तरीके का डिजाइन वेयर किया होगा, दिखाना। ऑल ओवर प्रिंट है, हैवी प्रिंट, सेम है, कुछ डिफरेंट है, और हैंड हैंडमेड चोली रहेगी, आप देखेंगे पूरी हैवी कैनकेन लगी होगी। हाँ सेम है, दिख रही है विजिबल, डिजाइनर चोली आने वाली है, बैक है। अच्छा, ओह सीरियसली बैक काफी डिजाइनर है, देखते लुक आ रही है। टोटल ऑल टोटल आप देखेंगे इसमें हैंड वर्क है, मशीन का कुछ भी काम नहीं है इसमें। वेलवेट लगा हुआ है, थोड़ा दिखाना, वेलवेट नहीं है, सेम ऊपर है, रेशम पे है, दूर से लग रहा था इस तरीके से। बैक काफी डिजाइनर है, सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। बीच में मिरर की टचिंग करी है, ओरिजिनल मिरर्स की, थोड़ा दिखाना, ये देखिए नीचे कटवर के साथ इसका बॉर्डर रहेगा, क्लासी है। कलर आता है ओनली ब्लैक, ब्लैक के सारा स्टिच है, मिरर और जर्कन की टचिंग के साथ, क्लासी है डिजाइनर कॉन्सेप्ट में। इवन आर्म मोल्ड में भी कटवर के साथ रहेगा इसका,
डिजिटल प्रिंट पे रहेगा दुपट्टा। सिंगल कलर है? सिंगल कलर आता है इसमें। ठीक है, ये दोबारा बैग दिखाना। साइज कहाँ तक हो जाएगा? साइज सर ये डबल एक्सल तक जाएगा साइज ये। सीरियसली बैग काफी अमेजिंग है, कुछ डिफरेंट स्टाइल में है, काफी अच्छे लग रहे हैं। कहाँ तक डबल एक्सल हो जाएगा? डबल एक्सल चलाएगा आराम से। 44 साइज। तो फ्रेंड्स रेंज जान लेते हैं, बताइए। इसकी रेंज जाने वाली 3495 3495 से की काफी भैया गारंटी है सर, ये कोई चीज दे दे। सीरियसली मेरे ख्याल से अगर ब्लाउज ब्लाउज ही पता करने जाएंगे तो काफी एक्सपेंसिव मिलने वाला है। ये ब्लाउज 2500 का मिलेगा रिटेल में, अगर आप सीरियसली बुटीक वगैरह से बनवाएंगे तो 2500 का ब्लाउज मिलेगा कम से कम। वो भी डिजाइनर ब्लाउज के साथ में आपको देखो माइंड ब्लोइंग है, काफी मिनिमल से कॉस्टिंग है। आप कंपेयर भी करेंगे तो काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स डिजाइन देख लेते हैं, बताइए। प्लेटिंग के साथ है, क्रश फैब्रिक है। एक फ्लेयर देख लेते हैं दोबारा, अच्छा खासा आने वाला है इसका। हैवी फ्लेयर है, फ्लेयर पूरा आएगा इसमें, कैनकर भी लगी हुई है अंदर। ब्लाउज देख लेते हैं, ये इसका ब्लाउज आने वाला है प्यारा सा, ये देखिए काफी सही में डिजाइनर है। देखते लोग आ रही है, थोड़ा करीब से देख लेते हैं। सारा ओरिजिनल मिरर्स यूज करे गए हैं, स्टिचिंग भी अलग अलग कलर की करी है, एक मस्टर्ड कलर में करी है। इस तरीके से सारा फाइन काम है, मतलब काम जो पहनो का एक लुक है वो चीज है। कुछ डिफरेंट है, इस तरीके से मल्टी थ्रेड के ऊपर काम किया गया है, सारा कांच का जरकन के साथ है। अच्छी लुक आ रही है, देखती है अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। दो शेड्स आने वाले हैं इसमें, मैं आपको दोनों शेड दिखाता हूं एक बार। दूसरी शेड भी अच्छी लग रही है। इस तरीके से रहेगा, डिजाइनर कॉन्सेप्ट में है, अच्छा लग रहा है। सीरियसली ये कहां तक हो जाएगा साइज लास्ट? हैवी बैग की दिखाई भैया ने आपको। तो फ्रेंड जान लेते हैं साइज कहां तक लास्ट हो जाएगा। साइज जाएगा आपका 42 एक्सेल साइज तक। अच्छा एक्सेल तक हो जाएगा 42 साइज। और इसका दुपट्टा भी एक बारी मैं आपको दिखा दूंगा दुपट्टा। दुपट्टा देख लेते हैं, ये प्योर चिनोन के फैब्रिक में रहेगा जो काफी सुपीरियर माना जाता है, काफी अच्छा लग रहा है। सारा ओरिजिनल मिरर के साथ इसकी टचिंग रहेगी, ये दुपट्टा रहेगा इसका। अब प्राइस जान लेते हैं, रेंज क्या रहेगी? 3495 की हैवी चोली के साथ समय, जैसा आपने दिखाया सारा हैवी चोली। इतनी मिनिमल सी कॉस्टिंग में इतना बढ़िया पीस मिल रहा है, माइंड ब्लोइंग है। सीरियसली आप कंपेयर कर लीजिए फिर परचेज करिए, आपको नॉलेज बढ़ेगी। समय काफी वर्थ है इसमें। तो फ्रेंड्स डिजाइन देख लेते हैं क्रॉप टॉप में, बताइए कुछ इसके बारे में। ये भी प्रिंट के ऊपर है, डिजिटल प्रिंट पे। उसका फ्लेयर भी अच्छा खासा आने वाला है, नीचे फ्रिल्स भी लगी हुई है, घेरा भी काफी है। स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, नीचे जो काम किया गया है बॉर्डर में, सारा ओरिजिनल मिरर्स की लेस की लगी हुई है और विद जरकन के साथ। बताइए थोड़ा काम के बारे में, सारा पत्रा वर्क है और डिजिटल प्रिंट पे जो प्लेटिंग हाँ जी बताइए। फैब्रिक है, क्रेप सिल्क का फैब्रिक रहेगा इस तरीके से, ऑल ओवर में ओरिजिनल मिरर्स की टचिंग दी हुई है नीचे इसके बॉर्डर में, जो प्लेटिंग आ रही है उससे भी एनहांस हो रही है ग्रेस। इसके ऊपर बेल्ट सही में अलग ही लुक आ रही है, इस तरीके से क्लासी लग रहा है। ये सारा ओरिजिनल मिरर की टचिंग दी हुई है इसकी बेल्ट में, पीछे भी है सीक्वेंस के साथ है। अच्छा फ्रंट एंड बैक है, सही में अच्छा लग रहा है, डिजाइनर पीस है, क्लासी है। चूली आने वाली डू पिन के ऊपर, अच्छा कुछ डिफरेंट है, अच्छा साइज आने वाला डबल एक्सल तक। अच्छा साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर साइज हो जाएगा, सारा हैंडमेड है, इस तरीके से दबके काम किया गया है। और जो ओरिजिनल मिरर लग रहा है सारा पत्रा वर्क है, जो लहंगे में काफ़ी सुपीरियर वर्क माना जाता है। सारा स्टिच है जरे के साथ, बीच में मल्टी कलर में नलकी वर्क भी मिल जाएगा। स्ट्रैप पैटर्न नेकलाइन की कुछ डिफरेंट स्टाइल में इस तरीके से रहेगा, हाँ मोल्ड में भी है। थोड़ा दूर से जाओ, और ये इसका दुपट्टा आने वाला शॉल दुपट्टा, उसमें भी वर्क किया गया है इस तरीके से, इसका दुपट्टा रहेगा। इवन कलर शेड्स में है, वो भी देख लेते हैं। दोनों कलर शेड्स अच्छे लग रहे हैं।
सेम, अलग ही क्लास आ रही है। इस तरीके से दो शेड्स रहेंगे, दोनों अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा अलग अलग करके देखना, साइज 44 तक हो जाएगा 2XL। अंदर मार्जिन है जी, रेंज जान लेता है। इसकी रेंज आने वाली 3595, 3595 में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जितना जल्दी बाय करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इस तरह कलेक्शन जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है, काफ़ी अमेजिंग है। तो फ्रेंच डिज़ाइन देख लेते हैं। स्ट्रैप पैटर्न मिल जाएगा शरारा पेपलम के साथ। मैं आपको उसको एक बार दिखा दूँ, ये देखिए इसका शरारा आने वाला है हैवी फ्लेयर में प्रिंट के ऊपर जी। तो आप इसका वर्क दिखाइए नीचे से एक बार, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। और काफी ब्रॉड है इसका जो फ्लेयर है, गरारा लुक में ये जरी के साथ टचिंग करी हुई है, से एनहांस हो रही है, दूर से मिरर वर्क लग रहा है। क्लासी है, डिजाइनर है, कुछ डिफरेंट इनोवेशन करी हुई है। जो प्लेटिंग्स आ रही है उससे भी एनहांस हो रही है ग्रेस। दिखाने के बाद थोड़ा इसका फ्लेयर ये देखिए, अच्छा फ्लेयर आने वाला है इसका। बैक होल सेम आएगा, सेम है। काफी रिक्वायरमेंट रहती है शरारे में फ्लेयर की शर्ट के ऊपर जी। ये इसकी शर्ट आने वाली है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसमें जो स्ट्रैप है वो दो है। अच्छा, डबल स्ट्रैप में है, सिंगल नहीं है। इस तरीके से स्लिट, एक ही स्ट्रैप आपको ऊपर शोल्डर पे आ जाएगा, एक ही ऐसे डाउन शोल्डर जी। अच्छा, सही बोल रहे हैं, एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ये आएगा ऐसे जी। इस तरीके से आप वेयर कर सकते हो। कुछ डिफरेंट इनोवेशन है। जो प्लेटिंग आ रही है वेस्ट लाइन में उससे भी काफी नेंस हो रही है। जो ब्रॉड है कट वर्क के साथ, जो उसका दामन है वो काफी बढ़िया है, क्लासी है। थोड़ा दूर से दिखाऊं, फ्लेयर भी इसका अच्छा आएगा। आप लोग इसके ये लुक आएगी, कुछ अलग ही बहुत फाइन मिलेगा। जैसा भी आप देख रहे हैं, इसके नेक पे ये पर्ल का है, साथ में मिरर की टचिंग भी गोटे की है, गोटा है जरी के साथ। देखते पसंद आने वाली कलेक्शन है, ऐसा है कि मजा आ रहा है। फिनिशिंग वाइज चीज आप देखो, तबीयत खुश हो जाएगी। उस तरह की कलेक्शन है। टू शेड में दुपट्टा भी रहेगा, ये इसकी लुक आने वाली प्रॉपर, और दुपट्टा भी इसका अच्छा आएगा। सेम क्लासी है, देखते जो पसंद आ जाए उस तरह कलेक्शन रहेंगे। ये इसका आपकी, ओ, 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 क्या बात है। फोर बॉर्डर साइड टसल्स रहेंगे टू शेड में। कलर चार्ट भी है, इनफैक्ट ये भी नहीं कि सिंगल कलर है, कलर्स भी है। सेम है, डिफरेंट चार्ट है इसका। एक बार देख लेते हैं शर्ट, पेपलम में जी। साइज कहाँ तक हो जाएगा? साइज की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको साइज आप एक्सेल तक बना सकते हो। अच्छा, एक्सेल तक अच्छा हो जाएगा। साइज होता है एक्सेल भी, 42 काफी होता है साइज। दो शेड्स आपको मिलने वाले हैं जी। अब रेंज जान लेते हैं, इसकी रेंज आने वाली 3495, 3495 में। इवन मेरे ख्याल से आप बाहर पता करेंगे तो इजिली 5-6 हज़ार में बिकने वाली चीज़ें हैं। सेम आपको एकदम से डबल का मार्जिन देखने को मिलेगा। इवन आप इसी मार्केट में पता करेंगे तभी भी सेम अनएक्सपेक्टेड है। रेंज वाइज साइज भी ओवर हो जाएगा 42 तक। आप कंपेयर कर लीजिए, फिर परचेज करिए, आप भी अश्योर हो जाएंगे, नॉलेज इनहेंस होगी। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन देख लेते हैं, ये भी कुछ डिफरेंट है, पता है कुछ इसके बारे में? ये सारा जोरजट पे क्रशर्स। और पहले मैं इसमें खास बात बता दूं, ये जो है डबल लेयर में, नीचे आप दिखाइए जी, इस तरीके से सही में नहीं, डबल लेयर है। इसमें भी आपको प्लेटिंग्स मिल जाएंगी, अस्तर के साथ प्लेटिंग दी हुई है, अस्तर के साथ। अगर आप चाहे तो उसे रिमूव भी करवा सकते हैं, इसमें स्ट्रेच से शॉर्ट उसमें प्लेटें लगाई गई है। सही में क्रश फैब्रिक में प्लेटिंग में। और इसके आप देखेंगे ऊपर बेल्ट पे वर्क आएगा, सी सारा हैंड वर्क इस सारा रहेगा बेल्ट में, नलकी वर्क के साथ टचिंग है, अच्छा लग रहा है, सारा हैंडमेड है। ये बैक है, बैक और फ्रंट दोनों तरफ काम है। फ्लेयर भी इसका लाइट वेटेड है, अच्छी चीज़ है ये। और इसकी मैं चोली की बात करूँ, चोली आएगी देखिए, ये डिज़ाइनर इसकी बैक आ जाएगी। सेम बैक सही, सीरियसली डिज़ाइनर है, कुछ डीप यू कट के हिसाब से कुछ फाइन काम किया गया है, काफ़ी। थोड़ा काम के बारे में बताना। ये सारा हैंड वर्क भी है, सीक्वेंस का है, और थ्रेड भी है, कटाने का भी है, नोट वर्क कट वर्क थ्रेड है। देखो कट वर्क में भी है, आप नीचे ब्लू बॉर्डर देख रहे हैं इसमें। अच्छा, ये जो ये कट वर्क स्टाइल में डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट वर्क किया गया जो इजीली देखने को नहीं मिलता। जो डीप बैक है उससे भी एनहांस हो रही है ग्रेस। आजकल काफी इन है डीप बैक के डिजाइंस ब्लाउज। अब फ्रंट देख लेते हैं, बीच में नोट वर्क भी किया गया है। सेम कुछ डिफरेंट क्रिएशन है, डिफरेंट इनोवेशन करिए। और स्टाइलिश इसका दुपट्टा आएगा, इसका भी ये देखिए, ये इसका दुपट्टा आने वाला है। दुपट्टा भी डिजाइनर है, तरीके से दुपट्टा ये नेक पे जाएगा, नेक पे शोल्डर पे दुपट्टा, स्लीव्स का भी काम कर रहा है। हाँ, ये रहेगा नेक पे, इस तरीके से डिजाइन आएगा।
वो भी इसको भी हाथ पर डाल दो मेरे साइड पर। अजूल जी यहाँ पे फोटो ले, चलो जी ये आएगा दुपट्टे इसका जी। साइज कहाँ तक हो जाएगा? साइज सर आपका बहुत बड़ी एक्सेल साइज तक जाएगा ये। अच्छा हो जाएगा 42, ओवर साइज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब प्राइस जान लेते हैं 3495। 3495 में इतना डिजाइनर क्लासी, कुछ डिफरेंट, काफ़ी रीजनेबल है कॉस्ट रेंज वाइज अगर देखा जाए। सीरियसली माइंड ब्लोइंग है, जितना जल्दी बाय करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इस तरह कलेक्शन काफ़ी मिनिमल कॉस्टिंग प्रोवाइड हो रही है, जो काफ़ी अप्रिशिएबल चीज़ है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको जोर ज़्यादा कलर पर बहुत ही कम वरायटी देखने को मिलेंगी, बट हम कोशिश करते हैं आपको अलग अलग चीज़ जो या आपका चिनोन उसमें भी डिफरेंट डिजाइन लाने की कोशिश करते हैं। नेट वगैरह आपने देखा होगा, हमने कई वीडियो से नेट डलवाई नहीं, क्योंकि वो कॉमन चीज़ है जी, कॉमन है, आउटडेटेड हो गई। अलग देखो वीडियो पर डलवाने का मतलब है कुछ, अगर अलग चीज़ डलवाओ तो कस्टमर भी कहता है अलग चीज़ें यहाँ से बाय करो। सीरियसली तो उनके लिए जिनको अलग की जोड़ हो वो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें। फ्रंट से डिजाइन देख लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा काफी। बताइए कुछ इसका बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा क्रशेस है, जोड़ जोड़ के क्रशेस है, और इसका फ्लेयर भी देखो काफी हैवी फ्लेयर आने वाला है, क्रश में है तो फ्लेयर भी इसका अच्छा दिखने वाला है, हैवी कैनकर में लगी हुई है इसका, बढ़ेगा ये फ्लेयर। हाँ जी बिल्कुल, जो प्लेटिंग आ रही है उससे। अब आप इसका वर्क दिखा दीजिए इस तरीके से, बताइए थोड़ा सीक्वेंस और जरी का काम है। आप जो सीक्वेंस है उसको बस सारा जरी स्टिच करा हुआ है, सेम है, कुछ डिफरेंट है, भी अलग है। एक्चुअली ये भी हमारी रिपीट आइटम है, इसका भी माल भी शॉर्ट था पीछे। अच्छा अब क्वांटिटी मिल जाएंगी सर? देखो चीज वही डालते हैं जो हर कस्टमर को मिल सके, और जिनकी रिक्वायरमेंट आई हो, जिनको अवेलेबल ना पहले बाय चांस पाया, कोई बात हो जाती है कभी कभार कि माल बन नहीं पाता जी, अवेलेबल नहीं हो पाता एट अ टाइम, अभी आप ले सकते हैं। जिन कस्टमर्स ने पहले नहीं लिया था अगर उनको जोड़ है तो वो भी ले सकते हैं। कंट्रास्ट में है, काफी डिजाइनर है इसके टसल्स भी। आपका ये भी साइज 42 सारे जो ओरिजिनल मिरर सारे स्टिच करे हुए हैं, खास बात है ये मल्टी रेशो में है। डिजाइनर कलेक्शन है, बुटीक टेस्ट है, दिखाना एक वही बैग, ये बैग आएगी डिजाइनर बैग है, इसमें भी जरकन के टचिंग है, नीचे भी दिखा सकते हैं उसके जो टसल्स हैं, उससे इसका फैब्रिक भी इंटैक्ट रहेगा, दुपट्टा भी अच्छा लग रहा है, दुपट्टा आने वाला शिफॉन का है। ये देखिए यहां से दिखाइए सीधा है इस तरीके से रहेगा, डबल शेड है, ट्विन शेड है, जो ब्लाउज और स्कर्ट का कलर मैच कर रहा है, इसका दो शेड्स हैं, दोनों शेड दिखाओ भैया जी, दोनों शेड्स नजर कर लेते हैं। सेम है, दोनों अच्छे हैं, एक कलिश कलर है पिंक और एक मस्टर्ड है, मस्टर्ड में येलो लेमन जी, डार्क लेमन कह सकते हैं इस तरीके से जी। सेम है, काफी फ्लफी आ रही है, सही में कंप्लीट पीस है, अभी तो प्लेटिंग से अभी और खुलेगा इसका फ्लेयर। दोनों कलर सर सुपर हिट कलर बनते हैं, सेम है, ओल्ड टाइम पीस ही ऐसा है, कोई 20 से लेके ना 45-40 तक की एज ग्रुप लाइक करती है, सही में, अच्छा लग रहा है, काफी रिक्वायरमेंट रहती है इस तरह के डिजाइन के भी, हिन है काफी, बड़ी प्यारी लुक आती है इसकी भी जी। अब बताइए साइज कहाँ तक हो जाएगा? रिपीट हम उसके रखते हैं जो डिमांड में होती जी, जिनकी रिक्वायरमेंट आई हो, जिनकी डिमांड आई हो। इसकी रेंज आने वाली 3795, 3795 की, काफी मिनिमल सी कॉस्टिंग है कंपैरेटिवली जैसे डिजाइन है। साइज कहाँ तक लास्ट बता रहे थे? 42-43 जी, 42 तक हो जाएगा एक्सल साइज, 43 तक भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और डिजाइन देख लेते हैं, ये भी देखते अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट डिजाइन है, शायद आपने और कहीं देखा भी नहीं होगा। जैसे रिक्वायरमेंट अभी हमने पीछे काफी डाली थी इस टाइप की चीजें, प्लेटिंग के इस तरीके के डिजाइन, प्लेन स्कर्ट ऊपर चोली हैवी, समझ लेते हैं जो प्लेटिंग्स आ रही हैं इस तरीके से, बेल्ट पे इसके वर्क आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये प्लेटिंग्स का डिजाइन है, जो बेल्ट है सारा हैंडमेड है इस तरीके से, पतरा वर्क यूज किया गया है, दूर से लग रहा है मिरर वर्क है, जरी की टचिंग के साथ है। थोड़ा और बताओ काम के बारे में। काम तो सर सुपर फाइन है, मैं आपको उसकी एक प्रॉपर लुक दिखाता हूँ मैं। अब मैं बात करता हूँ उसकी चोली की, हैवी कैन से शुरू करते हैं। अच्छा मेन है ब्लाउज के, काफी डीप में है यू कट इस तरीके से, सीरियसली काम आप देखें बहुत ही फाइन, काफी डिजाइनर है इसके बैक, ये फ्रंट रहेगा इस तरह के डिजाइन से, जो आपको देखते पसंद आ जाए, देखते लेने का मन करे। ये ओरिजिनल मिरर्स यूज करे गए हैं, सारा स्टिच है, साथ में जरी के साथ पतरा वर्क भी यूज किया है, जो आमतौर पर एक्सपेंसिव लहंगे में वर्क देखने को मिलता है उस तरीके का वर्क यूज किया गया है। ब्रॉड है इसके स्ट्रैप, इस तरीके का प्रॉपर डिजाइन रहेगा, स्लीव्स का फैब्रिक भी इंटैक्ट है बिल्कुल,
ये इसको लुकाने वाली है। सीरियसली जो इसकी बैक है, एक बार दोबारा दिखाओ, कलर से दिखा दूं आपको जी, एक बार बैक दिखाना। देखिए ये इसकी बैक है, यहाँ पर ओरिजिनल मिरर्स की टचिंग करी गई है और इस सेम फैब्रिक का आपको स्टोल दुपट्टा ही मिलेगा। पहले मैं आपको उसके प्रॉपर लुक दिखाता हूँ। अच्छा स्टोल ये जॉर्जेट का ही आपको। अच्छा ये भी जॉर्जेट का रहेगा, फोर बॉर्डर साइड टसल्स रहेंगी। सेम काफी क्लासी है, डिजाइनर कलेक्शन है, देखते पसंद आ जाए उस तरीके का। इसमें आपको दोनों कलर्स दिखाता हूं। दोनों शेड्स देख लेते हैं, एक बॉटल ग्रीन है और एक मैरून चार्ट है। दोनों के थोड़े बड़े खूबसूरत शेड्स आएंगे डार्क जी, देख लेते हैं। सेम एक बार दोबारा घुमा कर दिखाओ। सेम है, कोई वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए, इतनी अच्छी कलेक्शन है। साइज कहाँ तक हो जाएगा? साइज की सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, साइज आपका 40 प्लस बनेगा ये। अच्छा 40 प्लस हो जाएगा, और कम 40 तो बनेगा ही बनेगा जी। रेंज जान लेते हैं, इसकी रेंज जाने वाली 3795 3795 अंडर 4000। इतनी प्रीमियम कलेक्शन, इतनी मिनिमल सी कॉस्टिंग प्रोवाइड हो रही है, सही में अप्रिशिएबल है। कंपेयर कर लीजिए फिर परचेज करिए, आपको कंपेरिजन देखने को मिल जाएगा, डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, माइंड ब्लोइंग है। जितना जल्दी बाय करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं, स्ट्रैप पैटर्न में अच्छी लग रहा है इसका ब्लाउज, स्कर्ट भी अच्छी है। बताइए कुछ इसके बारे में। ये देखिए इसमें आपको दिखा दूँ, इसका तो पहले फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसका, फ्लेयर भी इसमें काफ़ी अच्छा आएगा और ऑल ओवर वर्क है। ऑल ओवर आप देखेंगे तो ऊपर वर्क है पूरे में, सीरियसली इस तरीके से गुच्छे बने हुए सीक्वेंस के, माइक्रो सीक्वेंस है। इस तरीके से रफल्स का डिज़ाइन रहेगा, प्योर जॉर्जेट के फैब्रिक में, ब्लाउज काफी डिजाइनर है ये इसका। ये इसका ब्लाउज आने वाला है, ब्लाउज बड़ा सुंदर है, जरदोजी की टचिंग दी हुई है इसमें। अच्छा जो लहंगे में होता है काम, सारा ओरिजिनल मिरर वर्क है, कुंदन वर्क पे, इसमें गोटे की टचिंग अंदर, जो अंदर देख रहे हैं नलकी वर्क के साथ। स्ट्रैप काफी डिजाइनर है, इस तरीके से मोटिव्स बने हुए हैं और दुपट्टा भी बड़ा शानदार है इसका। हम दुपट्टा भी देखेंगे, काफ़ी क्लासी है इसकी स्ट्रैप्स, ऑल ओवर देखा जाए काफ़ी डिजाइनर पीस है, सारा हैंडमेड है, हैंडवर्क पे है। नीचे स्लीव्स का फैब्रिक मिल जाएगा, देख लेते हैं इसका दुपट्टा। फुल दुपट्टा जी, फुल साइज है, दुपट्टा बहुत शानदार है, सेम डिजाइनर है। इस तरीके से टसल्स मिलेंगे फोर बॉर्डर साइड, इवन शेड्स भी हैं। दो शेड से मैं आपको दोनों नजर करवाता हूँ एक बारी। ये एक ये शेड है, ब्लाउज सेम आएगा, ये ब्लाउज है, ब्लाउज कॉमन रहेगा, सीरियसली दोनों में सूट कर है, सूटेबल है। चोली का कलर सेम रहेगा, दुपट्टे का उसके हिसाब से हो जाएगा, स्कर्ट का साइज कहां तक लास्ट हो जाएगा? साइज आपका जाएगा ये 42 46 तक हो जाएगा, मैक्सिमम 42 रहेगा। रेंज जान लेता, इसकी रेंज आएगी 3895 3895 के रेंज में, इतना क्लासी। आप कंपेयर भी करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार में इजीली सोल्ड आउट होने वाले डिज़ाइन है ये। इवन अभी तो मार्केट में आए भी नहीं होंगे, सारे लेटेस्ट डिज़ाइन है, अनसीन है, अभी आपने और कहीं देखे भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं, थोड़ा बताइए कुछ इसके बारे में। ये इसके एक लुक है इसके, और सारा प्लेटेड आएगा ये, और में इसका हैवी फ्लेयर, डबल लेयर में, और क्रश फैब्रिक में। ये देखिए अब दिखाइए, सिर्फ प्लेटेड है ये जॉर्जेट पे, डबल लेयर में, सेम इस तरीके से रहेगा। हैवी कैनकन लगी होगी अंदर, फ्लेयर अच्छा है, देखिए ये आप फ्लेयर ऐसे दिख नहीं पाता, मैं आपको दिखा दूँ, पूरा फुल फ्लेयर होगा, सेम यहाँ से जैसे मिक्स्ड फ्लेयर ही है, इवन विद हैवी कैनकन से प्लेटेड है, इसलिए ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लेयर ही हो जाएगा ये। ये इसकी चोली आने वाली है, सेम डिजाइनर है, काम की चोली इसकी, आप वर्क देखिए, कट वर्क के साथ है इसका, नीचे का बॉर्डर सारा स्टिच है, जो मिरर वर्क यूज किया गया है वो मल्टी रेशम के साथ ही स्टिचिंग करी हुई है। कुछ डिफरेंट लुक आ रही है इससे, बीच बीच में डायमंड स्टोन भी यूज करे गए हैं, अमेरिकन डायमंड स्टोन, काफ़ी क्लासी है डिजाइनर कॉन्सेप्ट में। कुछ डिफरेंट पीस है, थोड़ा एक बार दोबारा दूर से देख लेते हैं। ये मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ एक बार, ये देखिए ये इसकी लुक आने वाली है। सही में बैक प्लेन रहेगी, हाँ बैक नॉर्मल है क्योंकि सारा मजा इसमें फ्रंट में दिया हुआ है। सही में कुछ डिफरेंट बनाया है। साइज कहाँ तक लास्ट हो जाएगा? साइज आपका 40 40 ही रहेगा जी। और ये इसका कंट्रास्ट दुपट्टा आने वाला है, कंट्रास्ट में दुपट्टा इस तरीके से, सही में फुल लेंथ दुपट्टा होगा। आ जाओ थोड़ा सा, आ जाओ फुल लेंथ में, वे पहले लुक दिखा देते हैं इसकी किस तरीके से रहेगी।
सही में फुल साइज है, करीब से देख लेते हैं। कुछ इसमें काम भी किया गया है, ये सारा बीच में जो भी आप काम देख रहे हो जो टॉप पे इस पे वर्क है जी, गोल्डन जरकन है, फोर बॉर्डर साइड इस तरीके से टसल्स मिलेंगे। रेंज पता जान लेते हैं, 3995 में इतना क्लासी डिजाइन है पीस, ढूंढने पे भी ना मिले। कंपेयर कर लीजिए फिर परचेज करिए, आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी डिमांड में दोबारा लाए हैं, रिस्टॉक किया, काफी डिजाइनर कलेक्शन है, इंडो वेस्टर्न है, स्कर्ट के साथ मिल जाएगी शर्ट। अपने कस्टमर से कहता हूँ उनसे माफी मांगना चाहता हूँ जिन्होंने पहले मेरे को ऑर्डर किया था और मैं दे नहीं पाया था। अब आप मंगवाइए, कितना माल चाहिए आपको? उस टाइम पे रिस्टॉक करना मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल भी माल बन नहीं पा रहा था इसका, पर अब हमने इसका बहुत माल बनवाया। अच्छा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली? अब कोई दिक्कत नहीं, अब दिल खोल के मंगवाइए, जितने पीछे उतने पीछे। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप सभी ले सकते हैं जिन जिन्होंने मिस कर दिया था लेना सारा। XL XXL। अच्छा, ओवर साइज भी हो जाएगा, उसके लिए भी आप परेशान मत होइए। जो उसका बॉर्डर है सारा ओरिजिनल मिरर्स पे है, जो कि काफी काबिले तारीफ है। वो शेल्फ सीक्वेंस लगी हुई है इसके साथ, और जो ये प्लेटिंग्स आ रही है उससे भी एनहांस हो रही है। सारा ओरिजिनल मिरर्स यूज करे गए हैं, अलग ही क्लास आ रही है, अलग ही ग्रेस आ रही है। इस तरीके से थोड़ा एक घुमाकर फ्लेयर देख लेते हैं, फ्लेयर भी अच्छा खासा है इसका, देखो रीसेंट चीज है। सेम है, क्लासी है, जो देखते ही पसंद आ जाए। ये इसकी शर्ट आने वाली है, सेम है इसकी, दोनों ही एक से एक बढ़कर हैं। इसकी स्कर्ट ले लीजिए या शर्ट ले लीजिए, दोनों काफी माइंड ब्लोइंग है। कटवर्क के साथ इसका बॉर्डर है, जो उसका दामन है सारा ओरिजिनल मिरर्स के साथ है, जरी की टचिंग के साथ शेल्फ सीक्वेंस है, हैंडवर्क है जी, और ये जो नेकलाइन है सारा हैंडमेड है। बीच में दबके काम है, बैक पे भी बॉर्डर, कांच का जरकन है। स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, काफी बातें इसमें बताने वाली। इवन बैग भी डिजाइनर है, ये देखिए बैग आप देखेंगे नीचे बॉर्डर आएगा, जो इसका बॉर्डर है ये काफी फाइन है, क्लासी है। इस तरीके से टसल्स रहेंगे, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। अच्छा, फुल साइज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा, फोर साइड बाकड़ा आएगा इसका, ये देखिए अच्छी इस तरीके से फोर बॉर्डर साइड टसल्स मिल जाएंगे। सारा पल्स का आउटलाइन करी हुई है, फोर बॉर्डर साइड सेम है, काफी बढ़िया है, फुल साइज। ये बस लुक दिखा देता हूँ, ओवरव्यू जी। एक शर्ट और सेपरेट पकड़ना जी, अलग ही क्लास आ रही है। सिंगल कलर है, सिंगल कलर आता था शुरू में भी, सिंगल कलर जी। सिंगल कलर साइज कहाँ तक लास्ट हो जाएगा? साइज की कोई दिक्कत नहीं आपका, ये XL 42-43 बन जाएगा। अच्छा, XL 43 तक भी हो जाएगा, 42-43। रेंज जान लेते हैं, 4095। 4095 में आप कम से कम ये समझिए कि आपने 8000 का पीस पहना है। सही में उसके है, उस काबिल है, उसका इसको बाय करें। इवन मैं तो कह रहा हूँ पता कर लीजिए, आपको इतने का ही मिलेगा इवन मार्केट में भी। सही में 4095 तो मिलने नहीं वाला, गारंटी है, रेट की, क्वालिटी की, फैब्रिक की और वर्क की, आप कंपेयर कर सकते हैं, अनबिलीवेबल है रेट वाइज। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देख लेते हैं, स्ट्रैप पैटर्न के साथ ऑफ शोल्डर मिल जाएगा, कुछ डिफरेंट है, बताइए। मैं आपको उसकी प्रॉपर लुक दिखा दूँ, पर इसका फ्लेयर देख लीजिए, फ्लेयर भी इसका अच्छा फ्लेयर आने वाला, तीन कलर के साथ, और ये सारा लखनवी चिकन पे है, नेट के ऊपर ऑल ओवर सेम काम आएगा। सेम, और आप अगर आप ऊपर से देखेंगे राहुल पे, अगर ऊपर से दिखाना शुरू करें, यहाँ पे देखिए स्टेप पैटर्न आ गया, नीचे बीच में लगा जाएगा, नीचे जो कली पैटर्न बता रहे हैं स्टाइल में हो जाएगा आपका। सेम, कुछ रजवाड़ा लुक में, ये इसकी चोली आने वाली, सारी थ्रेड की सिंपल ओवर डिसेंट, डीप वी नेक पे शोल्डर में है, ये इस तरीके से रहेगा, क्लासिक डिजाइन है, डिफरेंट है कुछ। दोबारा बैक दिखाना, देखिए लुक बड़ी प्यारी है इसकी, सीरियसली काफी नए आजकल डीप वी नेक के डिजाइंस, डीप बैक के, इस तरीके से दुपट्टा रहेगा। मेन बात है कि फुल साइज, फुल साइज का दुपट्टा हो, और कलर भी बड़े प्यारे प्यारे इसमें मिलने वाले, डार्क कलर्स जी, स्पेशल डार्क कलर्स की डिमांड आती है, तो हमने डार्क कलर में डाला हुआ है। ये देखिए, एक इसमें बॉटल ग्रीन मिलेगा और एक इसमें पीकॉक ग्रीन, पीकॉक ब्लू, तीन कलर, एक ही बॉटल ग्रीन, एक वाइन। टीशर्ट शेड भी बड़ा यूनिक है, मैं बताता हूँ आपको तीनों शेड्स। एक और शेड भी है, वो भी देख लेते हैं। तीनों में दुपट्टे हैवी मिलेंगे आपको, सेम तीन शेड्स का चार्ट है,
साइज कहाँ तक लास्ट हो जाएगा? साइज सर इसमें 44 तक आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत साइज का कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक 44 साइज तक हो जाएगा। रेंज जान लेते हैं, इसकी रेंज आने वाली 5095 5095 की मिनिमल से कॉस्टिंग में, सीरियसली माइंड ब्लोइंग है। तो फ्रेंच डिजाइन देख लेते हैं, कंट्रास्ट में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट है, स्ट्रैप पैटर्न के साथ ब्रॉड है इसके स्ट्रैप्स भी। ये बैक है, बैक पे ऑल ओवर वर्क आया, सारा थ्रेड वर्क, ये इसका फ्रंट आने वाला है हैवी फ्लेयर के साथ, घेरा काफी है भाई, सारा इस पे थ्रेड का वर्क है। तो कंट्रास्ट में इसका बॉर्डर रहेगा, थोड़ा बताइए काम के बारे में। सारा थ्रेड वर्क है जो आरी का काम, जी आरी के काम के ऊपर है सारा, ये टचिंग है सब में, बीच में पल्स का काम भी किया गया है, लटकन काफी हैवी है और काम भी डिफरेंट डिफरेंट, जो योक पे है वेस्ट लाइन पे उसमें कुछ अलग पैटर्न बना हुआ है, बताए कुछ इसके बारे में। अभी ये बेल्ट पे भी काम है इसमें सारा, और सीक्वेंस देखेंगे इसमें सिल्वर सीक्वेंस लगाई हुई है, सेम बेल्ट काफी अच्छी लग रही है, टोन टू टोन सीक्वेंस यूज करी गई है, सारा कांच का जरकन है। इस तरीके से हैवी टसल्स मिल जाएंगे जिससे इन्हें सूर्य ग्रेस लहंगा लुक आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। ये इसकी चोली आ जाएगी, और चोली में दिखा दो पहले, बैक देख लीजिए, अच्छा डिजाइनर है बैक भी, और ये फ्रंट आने वाला है, और इसमें क्या है अगर आप स्टेप देखेंगे इसमें एक ब्रॉड स्टेप भी है और लाइट भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ एक टांका लगा था, इसको हटा के आप नीचे कोल्ड शोल्डर बना सकते हैं, माइनर स्टिच है, इसको रिमूव हो जाएगी इस तरीके से कॉन्सेप्ट रहेगा ये। अब यहाँ से टांका लगाओ, इसको हटा सकते हैं, और इसको काम के बारे में जान लेते हैं, सारा हैंडमेड, टोटली हैंडवर्क, टोटली इस तरीके सीक्वेंस है सारा, बीच में डायमंड स्टोन और कांच का जरकन यूज किया गया है, इस तरीके से सीक्वेंस रहेंगे, सारा क्लासिक डिजाइन है, देखते जो पसंद आ जाए आई कैचेंगे एकदम से। एक बार दोबारा बैग देख लेते हैं, इस तरीके से बैग रहेगी, सेम क्लासिक है डिजाइन कॉन्सेप्ट में। अब दुपट्टा भी इंटरेस्टिंग है, दुपट्टा भी देख लेते हैं, टू शेड में दोनों का एक कॉम्बिनेशन इसमें डाला है दुपट्टे में, मस्टर्ड इसका जो नीचे का बॉर्डर स्कर्ट का है, और जो इसकी चोली रहेगी इसके मेहंदी कलर में। साइज कहाँ तक लास्ट हो जाएगा? साइज आपका ये 42, अच्छा 42XL तक हो जाएगा। रेंज जान लेते हैं, इसकी रेंज आने वाली 5295, अच्छा 5295। काफ़ी डिजाइनर पीस है, आप कंपेयर भी करेंगे तो मेरे ख्याल से आराम से 8-9 हज़ार में बाहर से होल्ड हो रहे हैं इस तरह के डिज़ाइंस, कंपेयर कर लीजिए फिर परचेज करिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, काफ़ी क्लासी है, वर्थ है।